हाय गाइस, मैं सुजाता और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक ब्रांड का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जिसको मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। मैंने वाओ के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए और अपना एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। वाओ के प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए मैं काफी टाइम से सोच रही थी तो मैंने इन प्रोडक्ट्स को अपने पैसे से परचेज किया है। मैंने वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल बेस्ड रेंज सेलेक्ट करा है अपने लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वाओ एक इंडियन कंपनी है जो कि बैंगलोर बेस्ड है और इस ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि सीरम, क्रीम, लोशन, बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल आते हैं, बहुत सारे शैम्पू वगैरह सारी बहुत सारी चीजें आती हैं, मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी आते हैं। तो मैंने इस अपने लिए वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल रिंग सेलेक्ट करा है और साथ ही साथ एलोवेरा जेल भी ट्राई करने जा रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं कि मेरा इस प्रोडक्ट्स को यूज करने पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस से पूरा मेकअप हटा लिया है और मैंने बालों को अच्छे से टप कर लिया। सबसे पहला है उसमें है ये एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश है वाओ का। ओपन करने पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये फेस वॉश एक पंप फॉर्म में आया है जो कि काफी इजी होगा हमें यूज करने में। एक पंप अपने फिंगर टिप पे लूंगी। आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है और इसमें चारकोल बीट्स और टिट्री और के बीट्स है। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अगला प्रोडक्ट एक्टिवेटेड चारकोल का ये फेस स्क्रब है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, विटामिन B3 और B5 है। इतना बढ़िया है। मैंने फेस को अपने अच्छे से स्क्रब कर लिया है और अब मैं इसे वॉश कर लूंगी। मैंने अपने फेस पे अभी जस्ट स्क्रब किया और मैं काफी फ्रेश फील कर रही हूँ और मेरी स्किन काफी स्मूथ और सफल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सारे डेड स्किन रिमूव हो गए हैं एक बार में ही और मैं एक्टिवेटेड वाओ के इस एक्टिवेटेड चारकोल स्क्रब से बहुत ही इम्प्रेस हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि इस प्रोडक्ट को आपको जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए। मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। अब मैं लूँगी वाओ का एलोवेरा जेल और उससे अपने स्किन को थोड़ी सी मसाज करूँगी ताकि थोड़ी सी स्किन पे ग्लो आए। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और स्किन पे ग्लो आता है। आप देख सकते हैं ये एलोवेरा जेल बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। कि आप देख सकते हैं मैंने एलोवेरा जेल से हल्की सी मसाज अपने फेस पे कर ली है और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्टिवेटेड चारकोल का पील ऑफ मास्क। नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेटेड चारकोल रेजाइमे का पील ऑफ मास्क और ये अपने फेस पे लगाऊंगी। इसमें इसके साथ एक स्पैचुला दिया हुआ है। इसमें बैम्बू चारकोल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और ट्रेजा होल है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अपनी स्किन से पील ऑफ मास्क निकाल लिया है। आप चाहे तो पील ऑफ मास्क को स्ट्रेच करके निकाल सकते हैं या उसे आप क्लीन भी कर सकते हैं या गीले टॉवल से पहले स्किन को डैब डैब करके गीला करें और फिर उसके बाद से गीले टॉवल की सहायता से भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने अपनी स्किन को पानी से गीला करके और उसके बाद से गीले टॉवल की सहायता से अपनी स्किन से इस पील ऑफ मास्क को रिमूव किया है और मुझे अपनी स्किन पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिख रहा है और मैं इस
पील ऑफ मास्क से भी काफी इम्प्रेस हूँ, तो मैं आपको वाओ के इस एक्टिवेटेड चारकोल सीरीज को रिकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली मुझे ये काफी पसंद आया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वाओ प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और मैंने जो भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप उस प्रोडक्ट को उस लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।